प्रभात स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर फिफ्थ लेकर आए हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010। यानी कि यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहला हमें यहाँ पे दिया हुआ इंट्रोडक्शन। यू हैव लर्न अबाउट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। यू नो दैट इट इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। MS ऑफिस इज़ अ कम्प्लीट सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन USA। जैसे कि हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग के काम आता है। MS का ऑफिस जो है वो कम्प्लीटली क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन यहाँ पे USA के थ्रू यहाँ पे डेवलप किया गया है। अपार्ट फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंसिस्ट ऑफ अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम। जैसे कि हम वर्ड वगैरह करते हैं, उसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने दिए। दीज आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, यानी कि अलग अलग तरीक़ों से हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। वन ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ MS ऑफिस इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। यानी कि इसका एक एप्लीकेशन प्रोग्राम हमें दिया हुआ है MS ऑफिस, जिसे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। PowerPoint is a presentation software quite popular in the business world. It is used to create presentations. यानी कि PowerPoint का मतलब, PowerPoint एक ऐसी चीज़ है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हम बड़े बड़े बिजनेस वगैरह होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, और हमें उसमें से चीज़ें भी अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तब इसे और डिटेल में देखेंगे। हमें यहाँ पे पहले दिया हुआ प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन हम किसे कहते हैं? अ प्रेजेंटेशन इज़ अ स्ट्रक्चर डिलीवर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अ प्रेजेंटेशन के मदद से हमें कोई भी चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ सकती है, हमको कोई भी जानकारी चाहिए वो भी हमें मिल सकती है। इट इज़ एन सिस्टमेटिक डिस्प्ले ऑफ इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विथ ग्राफिक्स, मूवीज एंड साउंड। ऑल दीज आर डिस्प्ले टुगेदर ऑन द स्क्रीन। यानी कि यहाँ पर एक तरीके से सिस्टम में चलाया जाता है, यानी कि ग्राफ, मूवी, साउंड, सारी चीज़ें सिस्टम से चलती है और हमें एक बड़े से स्क्रीन पर है वो दिखाई देती है। लुक एट सम ऑफ द प्रेजेंटेशन प्रिपेयर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब देखो यहाँ पे लास्ट में हमें यहाँ पे तीन कॉलम्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें सीजन्स दिए गए, हमें पता चल सकता है कि क्लियरली यहाँ पे कितने सीजन्स होते हैं। फिर टिप्स फॉर लाइफ हमें दिए गए, कंप्यूटर सिस्टम हमें दिए गए। तो ये रंग बिरंगी हमें जो चीज़ें हैं, यानी कि ये ग्राफिक, मूवी, साउंड भी अगर इसमें हम ऐड कर दें तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें देखने में। पेज नंबर 60, अ प्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ स्लाइड्स। यानी कि यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड, यानी कि पहले एक चीज़ आई, फिर दूसरी चीज़ आई, फिर तीसरी चीज़ आई। जैसे हम कार्टून्स वगैरह में भी देखते हैं, ठीक है, अलग अलग डिस्प्ले, अलग अलग कार्टून्स वगैरह जैसे आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम स्लाइड्स के थ्रू दिखाते हैं। द स्लाइड्स आर ग्रुप टुगेदर इन अ सीक्वेंस टू फॉर्म अ स्लाइड शो। यानी कि एक स्लाइड शो, जैसे कि हम कार्टून वगैरह मूवीज़ देखते हैं, तो इस तरीके से हम स्लाइड शो भी बना सकते हैं। अ स्लाइड शो इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। यानी कि क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन है जो हमारे कंप्यूटर के पर्दों पे हमें दिखाई देता है। यू कैन सी डिफरेंट पीपल यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। हमने अलग अलग लोगों देखे हैं जो यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई सेल्स पीपल, यानी कि आप देख सकते हो पहले पिक्चर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें समझाई जा रही है। सेकेंड, टीचर्स एंड स्टूडेंट, और टीचर और स्टूडेंट्स भी उन्हें इसी तरीके से एक बड़े से पर्दे पर सारी चीज़ें सिखाई जाती है। थर्ड यहाँ पे हमें दिया हुआ बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, तो वो भी उसी तरीके से सारी चीज़ें एक बड़ी से पर्दे पर हमें दिखाते हैं। अब हमें एक और चीज़ दी गई, अवर इंस्पिरेशन IT। द आइडिया ऑफ पावर पॉइंट केम फ्रॉम द माइंड ऑफ बॉब गैक्सन। द पावर पॉइंट हैज़ चेंज द वेरी मेथड ऑफ टीचिंग इन अदर प्रेजेंटेशन। अब पावर पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो हमें यहाँ पे बॉब जैक्सन के दिए द्वारा दी गई है। इन्होंने हमें पावर पॉइंट से कैसे पढ़ाया जाता है, पावर पॉइंट की मदद से कैसे चीज़ें की जाती है, इन्होंने ही डेवलप किया और इन्होंने ही हमें सिखाया है।